हो जाएगी। ये घर, ये कमरा, ये कपड़े, ये सामान सब तेरा है, वो अब फिर तेरा नहीं रहेगा। एक चीज आपने की होगी, देखी होगी, जैसे एक महीना रह गया शादी का, बिटिया की शादी बाप करे 15 दिन रह जाए तो बाप इतना दौड़ेगा, इतना भागेगा, पता नहीं कहाँ से ताकत आती है, इतना भागेंगे दौड़ेंगे, सब सामान इकट्ठा करेंगे, और जैसे ही बिटिया विदा हुई सबसे पहले बाप गिर जाता है। लोग पूछते भैया क्या बात है, हिसाब किताब करना, तो बाप हाथ जोड़ के कहता कि भैया हमसे 2 दिन बाद बात कर लेना, अब हमारे घर की लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथ पैर टूट गए। दादा बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक वो कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज मारेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा, सास रोज लड़ेगी। भाई रोज लड़ता है, लेकिन जब बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक भाई रोया बहन की विदाई पे, तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि वैसे तो रोज लड़ता था, आज क्यों रो रहा है, अब तो बला टली घर की। तो जवाब दिया कि जितनी बार रोया हूं ना, जितनी बार लड़ाऊ, मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊ, और आज चिंता इस बात की है कि अगर घर आने में जरा भी लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिए, कहां मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या, और जब तक मैं घर वापस नहीं आया तब तक इसने भोजन नहीं किया। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। आज हमारा दिल, हमारा कलेजा निकला जा रहा है, आज से कौन मनाएगा, मैं दोनों पूरे दिन लड़के, पूरी शाम निकल जाती थी, रात को लड़के ही सोते, लेकिन जब भी सोते थे ना तो एक साथ भोजन करके सोते थे। अरे चाहे बाप के 5 बेटियां 6 बेटियां क्यों ना हो, लेकिन बाप ये कभी नहीं चाहता कि मेरी बेटी दुखी रहे। एक बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले, सुबह 6 बजे घर से निकलेगा और शाम को 6 बजे ड्यूटी करके आएगा, कहो तो ड्यूटी बढ़ा दे तो 10 बजे तक वापस आए। लोग पूछते भैया इतना कमा के कहाँ जाओगे, तो कहता भैया कमाने की बात नहीं है, बात बेटियों की है, क्योंकि मैं शादी से पहले एक बार बेटी रोज आए तो मैं आंसू भले ही देख लूं, लेकिन शादी के बाद नहीं देख सकता। हमारी बेटी बहुत प्यारी है, आज मैया एक बात और है माताओं, बिटिया की विदाई जैसे ही होती है वैसे ही नातेदार रिश्तेदार सब कहते हैं कि भैया मेरे घर पे भी काम है, मैं भी जा रहा हूँ। वहाँ ऐसा लगता कि कुछ बहुत गलत हो गया, बिटिया की विदा होने के बाद बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि बाप के यहाँ किसी ने डकैती डाल दी। पिता बहुत बड़े दिल का होता है, सब लोग चले जाते हैं बिटिया की विदाई के बाद, और देखा है मैंने भी, नोट किया कि बिटिया की विदाई पे माँ कम रोती और बाप और भाई ज्यादा रोते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर माँ भी अपना आपा खो देगी और माँ जब ज्यादा रोएगी तो बाप और भाई को संभालने वाला कोई पैदा नहीं होगा। एक घर में ऐसा रहना चाहिए जो संभाल ले। आज माँ सुनेना समझा रही राजा जनक को कि महाराज
आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली, और माँ की ममता खरी की खड़ी रे गई। सोने ना की आंखों की पुतली चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। आज उड़ जाते हम भी अवध की गली, आज उड़ जाते हम भी अवध की गली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। बंधुओं, जब विदा किया है बिटिया को अवध के लिए, राजा दशरथ पुत्र वधुओं को लेके आए, बड़ी खुशी है। चार चार पुत्र वधु आंगन में हैं, बड़े प्रेम से रहने लगे। समय बीत रहा है धीरे धीरे। एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा। राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा तो क्या देखा है कि कान के पास एक बाल सफेद हो गया। विचार किया कि हम पे बुढ़ापा है, तो अपने बड़े बेटे के राज तिलक की तैयारियां करने लगे। देवतागढ़ सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा, इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के केकई की बुद्धि को फेरा तो केकई कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए, बोले देवी क्या हुआ? बोले महाराज, हमने सुना है कि आपके राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। बोले हाँ, क्यों? महाराज, हमारे जो दो वरदान है वो आप मुझे दे दो। अरे देवी, दो नहीं चार मांग लो, छह मांग लो। बोले नहीं महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ, राम की सौगंध खा जाइए। अच्छा, एक बात बताइए बुजुर्गों, बहुत ध्यान से सुनना।
आज भी लोग यही कहते हैं कि केकई की वजह से राम को वनवास हुआ था। लेकिन सत्यता यह है कि केकई से ज्यादा राम को प्रेम करने वाला न तो था, न है, न कभी होगा। मैया कौशल्या भी इतना प्रेम राम को नहीं करती थी जितना मैया केकई करती थी। जिस दिन से राम ने अवतार लिया बादन से और जब तक शादी नहीं हो गई, मैया केकई के आंचल से लग के सोते थे। एक समय की बात है, कहते हैं विद्वान की केकई निंदनीय नहीं, केकई वंदनीय है। केकई जैसी माँ होना मुश्किल है। राम की उम्र रही होगी 2.5 वर्ष की। कितनी? 2.5 वर्ष की। तो पता नहीं कौशल्या को शाम को 8 बजे क्या सूझा, जाकर के केकई के पास पहुंची। बोली, अरे ओ केकई, आज हमारो बड़ो दिल कर रहो है कि हम राम को अपने पास लिटाएं। ये मालूम पड़ा जैसे करेजे में किसी ने वर्षी का घात किया हो, वर्षी का प्रहार किया हो। केकई ने कहा, अरे ओ बहना ले जाओ, अरे ओ दीदी आपका ही बेटा है, आप लिटा लो। राम को उठायो मैया केकई ने और लेके अपने सेन कक्ष में पहुंची। दादा 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजे मैया ने देखो है तो राम जी के नेत्र खुले और करवट बदल गए, मतलब नींद नहीं आई। मैया कौशल्या ने पूछा, राम क्या बात है, आप सोएंगे नहीं? नहीं मैया, नींद नहीं आ रही, भूख लगी है, दूध चाहिए? नहीं माँ। अरे पानी चाहिए? नहीं माँ। फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं माँ, सो जाऊंगा। 12, 1, 2 बज गए लेकिन राम जी को नींद नहीं आई। समझ गई मैया कौशल्या के जब बिना केकई के सोए वालो नहीं है। उठायो, अब इतना याद रखना, संतो रात्रि के 2 बजे मैया केकई चारपाई के पाए को पकड़ के रोए रही, केकई मैया। सिसकियों की आवाज बाहर तक पहुंची, कुंदी खटखटाई कौशल्या ने, अरे ओ केकई। हाँ बहना, एकदम से उठी, क्या हुआ? अरे ये ले, ये तेरा राम नहीं सो रहा, इसे सुला, ये कैसे सोएगा? महाराज जैसे सर्प की मड़ी खो जाए और कहीं से मड़ी मिल जाए तो इतनी प्रसन्नता होती, वैसे लाला को चेहरा देख के मैया एकदम से टूटी, झपट के छाती से लगाई, लियो आजा राम। लिटाई के 10 मिनट तब हुए जब महाराज राम मैया केकई की छाती से लग के सोए गए। राम जी जब सोए हैं तो माँ केकई माथे पे चुम्बन करके बोली, अरे ओ बच्चा, नींद हमें तुम्हारे बिना एक पल ना आवे, ये तो 5 घंटे बाद आ पाए हो। कितना प्रेम होगा, राम जी 4 वर्ष के हुए, मैया राम जी को दाल भात खिला रही, राम जी के मुंह में 2 टुकड़े मैया केकई ने दिए निवाले, राम ने 2 चक्कर लगाए और पीछे से मैया केकई के नेत्र बंद किए। अब पूछा, माँ बता मैं कौन हूं? माँ अपने बच्चे के शरीर की महक से बता सकती है कि मेरा बेटा है या नहीं है, स्पर्श से बता सकती है कि मेरा बेटा है या नहीं है। जान गई कि राम है, लेकिन फिर भी बातें बना के बोली, अरे ओ भरत, तू मुझे क्या समझता है कि मैं पहचानूंगी नहीं, हमें पता है कि तू मेरा बेटा भरत है।
राम चार चक्कर लगाए के सामने खड़े हैं गए और बोले मैया ये ले तू हार गए। आंखों में आंसू लेके मैया के कई बोली राम कि एक जन्म तो छोड़ दे, अगर तेरे लिए मैं 100 जन्मों हार जाऊं तो वो भी मंजूर है। बहुत प्रेम करती, बहुत ज्यादा लाला, अगर तू जान भी मांग ले वो भी दे दूं। राम बोले सोच ले मैया, जान तो बहुत दूर की बात है, कुछ ऐसा न मांग लूं जो तू आगे चल के तेरे नाम से भी लोग डरें और तुझे लोग बद्दुआएं दें, कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम केकई न रखे। सोच ले मैया, कुछ ऐसा न मांग लूं। अरे मैया केकई ने जवाब दियो, राम जब तीनों लोगों का नाम तुम्हें केकई जैसी को माँ बोलता है तो फिर आगे नाम न रखा जाए तो फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात बोली राम जी ने, सोच ले मैया ऐसा न हो कि तू विधवा हो जाए, मैं कुछ ऐसा न मांग लूं तू विधवा हो जाए। 2 मिनट के लिए चुप हो गई। अच्छा औरत को सुहाग बड़ा प्यारा होता है। 2 मिनट चुप रही, फिर बोली कि लाला अगर तेरे लिए मैं विधवापन जीना, अगर मुझे विधवापन जीना पड़े तो मुझे मंजूर है, तू मांग ले। अब बताओ जो माँ अपने बच्चे के लिए विधवा हो सकती है वाला वो कितना प्रेम करेगी। सोच ले मैया ऐसा न हो कि तेरा भरत आगे चल के तुझे माँ बोलना बंद कर दे, फर्क नहीं पड़ता तू माँ बोलता है बहुत बड़ी बात है। सोच लिया तेरी सौगंध खाती हूँ लाला, तू जो मांगे वो मिलेगा। अब बताइए केकई निंदनीय है या वंदनीय है? कभी निंदनीय हो ही नहीं सकती। राम बोले माँ जब मैं बड़ा हो जाऊं तेरी सहायता तू करेगी अपने पति की, वो वरदानों की बात होगी तो मेरी शादी विवाह होके आए तो तू एक वरदान में अपने भरत के लिए राज तिलक और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। जो जब बात सुनी सो मोह की बल मैया गिर पड़ी, जवाब दियो लाला तू हमारी जान मांग ले। अरे ओ बच्चा राम अगर मैंने तेरे लिए वनवास मांग लिया तो भरत कभी मुझे माँ बोलने वाला नहीं है। राम बोले पहले ही कहा था कि भरत माँ नहीं बोलेगा, तूने मंजूर किया है। अरे लाला अगर तेरी ये सुन ली कि तू बन को जा रहा है तो मेरे महाराज तुरंत मर जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। राम बोले पहले ही कहा था कि विधवा हो सकती है। अरे लाला अगर तू बन के लिए चला गया और मेरी वजह से मैंने कहा कि तू बन चला जा तो आने वाली पीढ़ियों में आने वाले समय में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी। राम बोले ये भी पहले ही कहा था, सब पहले ही शर्ते रख ली, अम्मा आप पीछे नहीं हट सकती हो। दिल पे पत्थर रखा लाला अगर तेरे लिए लोग हमें बुरा बोलें तो मुझे मंजूर है, बस त्याग ही तो करना है, मैं झेल लूंगी। आज वही समय आया, राम का विवाह होके आया, राज तिलक की तैयारियां हुई तो केकई कोप भवन में लेती है। राजा दशरथ बोले क्या बात है मांगो, बोले सौगंध खाइए। अब राजा दशरथ ने इतना दिमाग नहीं दौड़ाया, अब कोई छोटे काम के लिए तो बच्चे की कसम नहीं देगा, कुछ बड़ा काम होगा बड़ी बात होगी तभी लोग बच्चों की कसम देते हैं, वरना किसी के मरने पे भी लोग बच्चों की कसम न खाएं। बोलिए राम की सौगंध खाता हूं, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। बोले पहला वरदान सुनिए महाराज, मेरे भरत को ननिहाल से बुला करके और उसका राज तिलक कर दो। इतनी छोटी सी बात, अरे जैसे राम का राज तिलक वैसे भरत का राज तिलक क्या फर्क पड़ता, बात तो एक ही है, हमारी दोनों आंखों के तारे हैं। महाराज ये तो आप कर लोगे, बड़ा आसान है। दूसरा वरदान जरा दिल पे पत्थर रख के सुनना। बोलिए
ताप सभेस विशेष उदासी शो देवरस राम भेष विशेष तपसी के भेष में 14 वर्षों के लिए। अच्छा एक बात और है, विशेष महाराज शेष नंग के अवतार लक्ष्मण इन्हें भी बन जाना था, और कारण ये था कि अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। अब शंका हुई कि 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? तो लिखा है कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं और रहो छे देश विदेश, बिना मौत मरियो नहीं छे बिचरो देश विदेश। 2 दिन की झूठी दुनिया है और ये जन्म मरण का फेरा है, कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। राजा दशरथ जमीन पे गिर पड़े हुए होश होके, देवी आप भले ही भरत के लिए राज तिलक मांग लेती, लेकिन मेरे राम को 14 वर्षों का वनवास, अरे राम तो आपको बहुत प्यारा था, फिर क्या हुआ? जवाब दो मैया के कई ने के प्रभु प्रात हो तुम निवेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरण और अस जरन नप सोचो मन माए। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। राजा मैया को चेहरा देख रही के कई का